सोलो फ्रेंड, माय नेम इज रोशन पटेल। सो आज फिल्मोरा के बारे में बात करने वाले हैं, न्यू फीचर के बारे में। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। सो फर्स्ट फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिल्मोरा 13 ओपन करके रखा हूँ। सो अभी जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आइकन आ जाएगा। एंड आप फुल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो फुल पे यहाँ पे फुल स्क्रीन शो कर रहा है। एंड कस्टम पे जितना आप मतलब जो चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं ये जो कस्टम लगाया कस्टम पे क्लिक करके एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितना मेरे को चाहिए उतना ही ये रिकॉर्डिंग होगा। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे सेव बन रहा है कुछ ऐसा। एंड फुल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन ले रहा है। सो आप देख सकते हैं मैं ये कुछ इस तरीके का रहेगा। एंड रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग होगा। और सेकेंड है ये आप देख सकते हैं माइक्रोफोन एंड स्पीकर का। सो ये आप म्यूट भी कर सकते हैं, अदर आप म्यूट नहीं करना चाहते तो अनम्यूट भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड जैसे रिकॉर्डिंग पे प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं काउंटिंग चालू हो गया एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अभी फिल्मोरा का मैं जैसे ही ओपन करूँगा ना तो इसको स्टॉप करने के लिए F9 बटन है। सो F9 पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उससे देख सकते हैं स्टॉप हो गया है। प्लस जो मैं रिकॉर्डिंग किया था ना वो अभी गया किधर है तो वो मेरे को देखना है। तो पहले तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं रिकॉर्ड होके आ गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का होके। अभी नेक्स्ट फीचर है जो आ गया, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो ये 6 फीचर है जो अभी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम बताने वाला हूँ। सो सेकेंड फीचर है इसमें AI टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग। सो आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे। इसमें क्या होता है कि वीडियो में जब हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट लिख के दे देगा। सो अभी देख सकते हैं मैं एक वीडियो कोई सा भी जो मैं रिकॉर्ड किया हूँ वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरा ये जो अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। एंड अगर ये वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ मेरा चैनल पे माय हेल्प मी चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं ओके पे प्रेस किया ना एंड इंडिया सेलेक्ट करना है, यूएसए रहेगा, यूएस रहेगा उसको नहीं सिलेक्ट करना है, इंडिया पे सिलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया रहेगा उस पर सिलेक्ट करना है तो आपको प्रॉपर ये आ पाएगा टैक्स। सो आप देख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ रोशन पटेल। तो यहाँ पे टुडे हो गया है तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, नो इशू है, आप चेंज भी कर सकते हैं टाइटल अपने अकॉर्डिंग। सो आप देख सकते हैं जैसे टाइमलाइन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हर एक बर्ड का यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स आ गया है। सो आप देख सकते हैं मैं कुछ किया। सो फ्रेंड, माय नेम इज रोशन पटेल। सो आज इस वीडियो में आप लोग को अनलिमिटेड फीचर देने वाला हूँ एंड कोई पैसा नहीं लगने वाला है इसमें, ऑलमोस्ट फ्री है। सो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट बताने वाला हूँ जो आप सो आप समझ ही गए हैं कि किस तरीके का ये न्यू फ्यूचर है। सो अभी 3rd फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से वो भी स्टार्ट करें। सो 3rd है साइलेंस डिटेक्शन। सो देख सकते हैं साइलेंस डिटेक्शन पे क्लिक करते हैं एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड जैसे ये आएगा तो एनालाइज करना पड़ता है पहले। सो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में एनालाइज करना पड़ता है तो मैं कर लिया एनालाइज। सो आप देख सकते हैं 4.8 था तो उसमें दिखते हैं कितना आता है अभी। तो देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तो कट गया है बट देखते हैं कि कितना आता है उस पर। सो अभी देख सकते हैं 3 यहाँ पे शो कर रहा है, 3.56 यानी 56 हो रहा है। सो अभी देखते हैं कि किस किस जगह पे। सो आप देख सकते हैं मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। सो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कट लगा हुआ है, एक कट यहाँ पे लगाया है जो मतलब मैं थोड़ा स्टॉप हो गया होगा और मेरे से भूल हो गया होगा कट में। सो इसने साइलेंस जो साइलेंस है वो मैं यहाँ से मतलब इसने ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया है। सो आप देख सकते हैं, चला के एक बार दिखा देता हूँ आ जाएगा। तो हमारा थोड़ा नेटवर्क की वजह से भी स्लो हो सकता है, आपके पास अगर नेटवर्क फास्ट है तो जल्दी चीजें आ जाएगा। सो अभी देख सकते हैं ये नेटवर्क का मेरा इशू है। सो आप देख सकते हैं ये आ गया है, थोड़ा सर्च ले रहा है। सो आप देख सकते हैं सेम जो इसमें दिख रहा है थंबनेल वो उसमें दिख रहा है, देख सकते हैं ये। सो देख सकते हैं और ये बहुत इजी है एंड बहुत अच्छा फीचर लाया है। सो मैं सोच रहा हूँ कि प्रीमियम प्रो छोड़ के इसी पे यूज कर लूँ, बट उसमें क्या है ना कि कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है एंड वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है थोड़ा,
बट दोनों को अभी फिलहाल यूज करूँगा, इसको भी और उसको भी। इसको ज़्यादा AI के वजह से मैं यूज़ करूँगा, एंड प्रीमियम प्रो भी अभी न्यू अपडेट जो लाया है वो भी AI लेके आया है। सो अभी न्यू अपडेट तो यूज नहीं कर रहा हूँ, बट हो सके तो कल उसका भी वीडियो एक ले आऊँगा, एंड देखता हूँ कि अगर क्या क्या उसके अंदर अपडेट दिया है वो भी मैं आप लोग को शेयर करूँगा। सो अभी नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ऑटो रिफ्रेम। सो इसमें क्या होता है, मैं लाइव दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये ऑटो रिफ्रेम है, इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, ड्रैग योर इंपोर्ट अ वीडियो हेयर टू स्टार्ट रिफ्रेमिंग। सो जैसे इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यह फर्स्ट वीडियो लूँगा, अपना ही लूँगा, एंड इसको फिर डबल क्लिक करिएगा एंड यहाँ पर देख सकते हैं एनालाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक बहुत सा नहीं कर सकते, बहुत इमेजिंग एक फ्रेम बनने वाला है। सो रीफ्रेम का मतलब क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ लाइव। सो जैसे ही एनालाइज पे करूँगा ना तो आप देख सकते हैं, होने दीजिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक होता है। सो मालूम चल जाएगा, सोलो फ्रेम माय इमेज रोशन फ्रेम। सो देख सकते हैं ये वर्टिकल में ये आपके फ़ोन के साइज का वीडियो बना के दिया। हम लोग क्या था, मेरा कैसा वीडियो था, यूट्यूब साइज का वीडियो था। सो आप देख सकते हैं यूट्यूब साइज का वीडियो था, यहाँ पे फ़ोन की साइज में ऑटोमेटिक ये बना के दिया एंड इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ फाइल में, कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप एंड लट्स में एंड सिलेक्ट फोल्डर ओके एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लिक कर देता हूँ एंड एक्सपोर्ट भी मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है एंड इसका थोड़ा सा क्वालिटी डाउन होगा क्योंकि ये यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ वीडियो है, जो ओरिजिनल वीडियो था मैं रिमूव कर दिया था। सो देख सकते हैं ये बहुत जल्दी हो गया है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया एंड जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ये वीडियो बना है। सोलो फ्रेंड माय इमेज रोशन फ्रेंड। सो आज इस वीडियो में आप लोग थे, फर्स्ट न्यूएटो करके क्लिक करना पड़ता है, तो जो भी मैं बताया उसको एडजस्ट कर दिया ये। सो ये मेरे को बहुत अच्छा फ्यूचर लगा एंड क्रेजी। सो मैं नेक्स्ट जब रील्स भी बनाना होगा ना तो मैं ऐसे ही करूँगा, यूट्यूब का वीडियो रखूँगा और इसको रिफ्रेम करके ऑटो इजली ये कट हो जाता है एंड आप इंस्टा पे भी पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारे चीज़ पे आप कर सकते हैं। सो ये फ्यूचर बहुत मेरे को मस्त लगा एंड नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो आगे बताने वाला हूँ। सो 5 है ऑटो बीट सिंक। सो इसमें क्या होता है लाइव ही मैं दिखा देता हूँ, क्या होता नहीं है लाइव ही दिखा देता हूँ तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो जैसे ही ऑटो बीट सिंक पे मैं क्लिक किया इस तरीके का पॉपअप आया, तो अभी मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ एंड यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया बोल रहा है, तो इंपोर्ट मीडिया पे इसका मतलब क्या आता है, ऑटो बीट सिंक का मतलब कि एक म्यूजिक होता है एंड ये क्या होता है कि म्यूजिक आप भी इस पर दे सकते हैं एंड जो आपका चॉइस का म्यूजिशियन रहता है, जैसे बेडी में क्या होता है कि आपकी चॉइस का म्यूजिक सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बीट बाय बीट जब हम एडिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें क्या है ना कि ये ऑटोमेटिक है बीट बाय बीट पे बैठा के दे देगा वीडियो को। सो देख सकते हैं मैं सिर्फ क्लिप लूँगा एंड ये म्यूजिक पे ये वीडियो बना के मेरे को दे देगा। सो अभी देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो ले लेता हूँ, वीडियो लिया, ये ब्राइड का है वीडियो एंड मैं इतना टोटल ब्राइड का वीडियो ले लिया हूँ एंड ओपन पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे एक म्यूजिक भी इसने दिया है मेरे को। सो आप देख सकते हैं कौन सा म्यूजिक है मेरे को मालूम नहीं एंड इसको एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो किस तरीके का ये ऑटो बीट सिंक आता है। सो आप देख सकते हैं जैसे एनालाइज होगा उसके बाद मालूम चलेगा कि किस तरीके का और फिनिशिंग कैसा आता है, सो अभी देख लेते हैं कि मतलब मज़ा आता है या नहीं आता, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ 1.5 मिनट का लेगा, 1/2 सेकंड का लेगा। सो देख सकते हैं क्या करता है ये एंड ये मैं भी फर्स्ट बार अभी इसका न्यू फ्यूचर को मैं देख रहा हूँ एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लगा एंड आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा कि अच्छा लगा एंड इसका
जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर को। सो अभी देख सकते हैं 97, 98 एंड 100 हो गया। तो मैं इसको टाइमलाइन पे ले लेता हूँ। एंड इसमें क्या है ना कि ओरिजिनल भी आवाज़ आ रहा है, तो ओरिजिनल आवाज़ को मैं म्यूट कर देता हूँ एंड देख लेता हूँ एक और। ये तो मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ है ना करने में अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बीट बाई बीट। सो अगर जहाँ पे मेरे को मतलब इशू हो रहा है उस जगह पे थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब इतना सॉफ्टवेयर बना के दे सकता है तो थोड़ा सा मेहनत तो कर सकते हैं, क्योंकि इसी मेहनत में अपना 2 घंटा या 3 घंटा ऑलमोस्ट निकल जाता है। तो मैं तो इसको ईजी ही समझता हूँ, मतलब अपने को बहुत अच्छा सुविधा के लिए चीज़ें मिल गया है एंड मैं तो बेस्ट मानूंगा इस चीज़ को। एंड आप लोग क्या राय करते हैं, मतलब क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं, प्लीज़ कमेंट में मेरे को रिप्लाई करके दीजिएगा कि कैसा लगा ये फ्यूचर। सो नेक्स्ट फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं ना ज़्यादा टाइम लेते हुए। सो नेक्स्ट फ्यूचर है इंस्टेंट मोड। सो अभी इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे बहुत तरीके का माई एयर ब्लॉक्स मॉडर्न कैंपर एंड सिटी वॉल्क स्लाइड शो, तो मैं स्लाइड शो पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये प्ले होगा आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो दो आइकन है लेफ्ट एंड राइट का, सो इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होना चालू होगा क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं किया था, इसके वजह से शायद ये डाउनलोड हो रहा है। तो आपका भी ऐसे ही स्टार्टिंग होगा एंड जैसे ही ये डाउनलोड होता है उसके बाद इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ एंड देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, सो देखिए ये डाउनलोड हो गया एंड यहाँ पे इनपुट योर मीडिया। सो मीडिया पे मैं क्लिक करूँगा प्लस के आइकन पे। जैसे प्लस के आइकन पे क्लिक किया सो अभी आप देख सकते हैं कुछ इतने जो मैं अभी नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में बताया था। सो मैं इसमें सेम वही लेने वाला हूँ एंड इसको ओपन कर देता हूँ। अभी ओपन करने के बाद ऑटो क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो जो स्लाइड शो का वीडियो आता है जो उसमें क्या कर लगता है अपने को बहुत सारे इफेक्ट एडजस्ट करना पड़ता है एंड उसमें बहुत सारा मतलब मेहनत लगता है। काफ़ी 1 मिनट का वीडियो बनाने में अपने को अराउंड तो मैक्सिमम मान के चलो कि 4 घंटे के समथिंग निकल जाता है, पूरे इफेक्ट लाना, फिर उसको एडजस्ट करना फ्रेम बाय फ्रेम एंड कौन सी क्लिप हो उस जगह पे अच्छा लगेगा। सो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड यहाँ पे सो देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से एंड सिंपल तरीके से अपने को एक स्लाइड शो वीडियो बना के दे दिया है। सो आप देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे टैक्स भी दिया है आप लोगों को। सो मैं और प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसका जो है एक्चुअली मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये है। तो मैं लोअर रिकॉर्डिंग हायर पे मैं क्लिक करता हूँ एंड सेम सेटिंग रखता हूँ, सिर्फ इसको कर देता हूँ 50 MPA एंड इसको कुछ नहीं छेड़ता हूँ एंड अप्लाई टू अप्लाई पे कर देता हूँ एंड MP4 की जगह पे मूव कर देता हूँ। मूव पे क्या है कि थोड़ा सा अटक जाएगा एंड इसका लोकेशन में चॉइस कर लेता हूँ एंड इसको लट्स में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सो मेरे को तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा एंड ये जो न्यू फीचर है वो काफ़ी मज़े का फीचर है। सो देख सकते हैं मेरे को तो बहुत क्रेजी लगा एंड फ्रेंड आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।